नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा अनोखा कार्ड जिसके माध्यम से जो भी आप अपना पूरे महीने में खर्चा करते हैं उस खर्चे को आप 3 किस्तों में वो भी बिना किसी ब्याज के पे कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप जो भी खर्चा आपने किया है उस खर्चे को आप एक साथ पे कर देते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई भी ब्याज तो देना ही नहीं पड़ता। साथ ही साथ दोस्तों आपको 1% का कैशबैक भी मिलता है। साथ ही साथ इस कार्ड की सबसे अच्छी सुविधा ये है कि अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं देनी है। साथ ही साथ ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूनी 1/3 क्रेडिट कार्ड की। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, इस कार्ड की सबसे अच्छी खासियत ये है कि अगर आपने जोश जोश में आके बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर दी है और फिर अचानक आपका क्रेडिट कार्ड का बिल कई 1000 रुपये हो गया है और आप उस क्रेडिट कार्ड के बिल को भरने में थोड़ा सा असहज हैं क्योंकि आपको अन्य खर्चे भी करने हैं, तो यूनी 1/3 क्रेडिट कार्ड, जैसा इसका नाम ही 1/3 है, इस कार्ड के माध्यम से आप अपने टोटल पेमेंट को 3 किस्तों में भर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो 3 किस्तें हैं, ये 3 किस्तें ऑटोमेटिकली इसकी ऐप अपने आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगी। साथ ही साथ आपको ये ऐप ऑप्शन भी देगी कि आप एक साथ पेमेंट कर देते हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है। बाकी दोस्तों, मैंने भी जोश जोश में आके इस क्रेडिट कार्ड से एक बहुत ही मोटा अमाउंट खर्च कर दिया था। चूँकि दोस्तों मेरे पास तो बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, इसलिए मेरे बाकी क्रेडिट कार्ड के बिल की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, वो बिल्स भी मेरे 35-40 हज़ार हो चुके थे और इस पर भी दोस्तों मैंने 12-15 हज़ार रुपये खर्च कर दिए थे। तो दोस्तों, मेरे को थोड़ा सा लोड पड़ रहा था। चूँकि दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के साथ 3 किस्तों में पेमेंट को करने की सुविधा थी, इसलिए मैंने ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए उस पेमेंट को सीधा 3 किस्तों के अनुसार भरने का प्लान किया और अब मेरा जो लोड है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। बाकी दोस्तों, किस तरह मैंने ट्रांजेक्शन किया, किस तरह मेरा जो टोटल अमाउंट था वो 3 किस्तों में डिवाइड हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको अभी लाइव दिखाता हूँ ताकि आप समझ पाएँ इस क्रेडिट कार्ड के असली फ़ायदे और मकसद। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार मैंने यूनी क्रेडिट कार्ड से खर्चा किया और वो खर्चा ऑटोमेटिकली 3 किस्तों में डिवाइड हो गया। इसके लिए दोस्तों मैं यूनी कार्ड की ऐप खोल लेता हूँ और आपको लाइव सारी की सारी चीज़ें दिखाऊंगा। दोस्तों, ये ऐप है। जब मैंने इस ऐप के अंदर लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद मैंने इसको पूरा रिकॉर्ड किया। जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो पूरा ब्लैक था, तो इस ऐप में आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, साथ ही साथ आप स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते, इसलिए अब मैं दूसरे कैमरे से इसकी फ़ोटोज़ लूँगा। अब जो भी मैंने बातें बताई हैं वहाँ देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, पे 1/3 इफ़ यू स्पेंड 45,000 टुडे ओनली 1/3 ऑफ दिस ट्रांजेक्शन दैट इज़ 15,000 विल बी बिल्ड दिस मंथ। पहले महीने 15,000, दूसरे महीने 15,000, तीसरे महीने 15,000। तो इस तरह हमारा जो टोटल बिल था वो 3 भागों में डिवाइड हो गया। अब इनकी आप टैगलाइन भी देख सकते हैं, यूनी पे 1/3 कार्ड, इट्स डिफरेंट, इट्स यूनिक, इट्स पावरफुल। तो रियली इट्स वेरी पावरफुल कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने की 26 तारीख को जनरेट होता है और आपको वो बिल नेक्स्ट महीने की 5 तारीख तक भरना होता है। अगर आप डिले कर जाते हैं तो दोस्तों आपको बहुत हैवी चार्ज देना पड़ता है। अब आप देख सकते हैं, मैंने इस क्रेडिट कार्ड से टोटल खर्चा किया था 13,268 रुपये। उसका जो बिल है वो 3 किस्तों में डिवाइड होकर मुझे पड़ गया है 4,422 रुपये, जो कि मुझे 5 तारीख तक पे करना है। अगर मैं इसको इकट्ठा पे कर देता हूँ तो मुझे 1% का कैशबैक भी मिलेगा। अब दोस्तों, बात आती है इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आपका जो सिविक स्कोर है वो 700+ होना चाहिए, पहले रिक्वायरमेंट तो ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा काम आपका ऑनलाइन हो जाएगा और बिना किसी टेंशन के आपके घर में
यूनिकार्ट का क्रेडिट कार्ड आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों, इस बेहतरीन पैकिंग में ये देख सकते हैं आप कितना ज़बरदस्त डिब्बे में यूनिकार्ड आता है। ये आप देख सकते हैं से हेलो का इस तरह का भी आता है, और इस तरह हमें क्रेडिट कार्ड देखने के लिए इस तरह के डब्बे में मिलता है। इस तरह ये जो कार्ड है ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्रेडिट कार्ड है, और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा कि जो भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो यूनि वन थर्ड क्रेडिट कार्ड ज़रूर बनवाएं, क्योंकि इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ आपके खर्चे को 3 हिस्सों में बांट देता है, और इसकी वजह से आप जो शॉपिंग अगले महीने करने वाले थे या उससे नेक्स्ट मंथ करने वाले थे, आप आज ही शॉपिंग को कर सकते हैं और उसके खर्चे को आप 3 किस्तों में बांट कर आराम से पे कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करना है, इस क्रेडिट कार्ड का जो बेनिफिट्स हैं वो सब चीज़ मैंने तो आपको बता ही दिया है। तो दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं इस क्रेडिट कार्ड को किस तरह अप्लाई करना है, उसके लिए दोस्तों मैं वीडियो अभी जस्ट बनाने वाला हूँ, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। और बाकी इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स और इस क्रेडिट कार्ड के रिव्यूज़ तो दोस्तों मेरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। दोस्तों, ओवरऑल अगर बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के रिव्यूज़ के बारे में, रेटिंग्स के बारे में, तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को मैं 10 में से 10 नंबर देता हूँ। और रिव्यूज़ दोस्तों इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए मैं वीडियो अभी जस्ट अपलोड करने वाला हूँ, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं और देख समझ सकते हैं किस प्रकार आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।